अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन आपसे मुखातिब हूं। आज हमने एमएससी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजियोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल बिहेवियर से कुछ टॉपिक डिस्कस करना है। तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ ही आपने मेरी तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। तो जी, आज का हमारा टॉपिक है जी, रोल ऑफ अदर आइंस ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। Thus far, we have considered only the role of sodium and potassium ions in the generation of action potential. कहता जी, अब तक हमने सोडियम और पोटाशियम आयन का रोल देखा है एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन में। At least two other type of ion must be considered, negative anions and calcium ions. कहता है जी, कम अज कम दो अदर आइंस जिनमें नेगेटिव एनायंस और कैल्शियम आइंस हैं, इनको भी हमें चाहिए कि हम इनको भी कंसीडर करें। तो चलें जी, इम्परमेंट नेगेटिवली चार्ज आइंस यानी एनायंस इनसाइड द नर्व एक्सॉन। इनसाइड द नर्व एक्सॉन आर मेनी नेगेटिवली चार्ज आइंस दैट कैन नॉट गो थ्रू द मेम्ब्रेन चैनल्स। कहते हैं जी, एक्सॉन के अंदर जो काफी सारे नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। दे इंक्लूड द आयन आइंस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड ऑफ मेनी ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड, सल्फेट कंपाउंड्स एंड सो फॉर्थ। इसमें कौन से हैं जी एन आइंस? कहते हैं जी, एन आइंस हैं सर्टन प्रोटीन के और ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड और सल्फेट कंपाउंड वगैरह हैं। बिकॉज दीज आइंस कैन नॉट लीव द इंटीरियर ऑफ एक्सॉन, any deficit of positive ion inside the membrane leave an excess of these impermanent negative anions. कहता है क्योंकि ये आइंस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है यानी एक्सॉन की मेम्ब्रेन उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो पॉजिटिव आइंस का डेफिसिट यानी पॉजिटिव आइंस की कमी मेम्ब्रेन के अंदर, तो इन एनायंस की इन इम्परमेंट नेगेटिव एनायंस जो ये एनायंस जो के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इनके अबेंडेंस हो जाएगी इनसाइड द न्यूरॉन। इससे क्या होगा? देयरफॉर दीज इम्परमेंट नेगेटिव आइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज इनसाइड द फाइबर व्हेन देयर इज नेट डेफिसिट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पोटाशियम आइंस एंड अदर पॉजिटिव आइंस। कहते हैं जी, जब अदर पॉजिटिव आइंस जिसमें पोटाशियम और अदर आइंस हैं जिसमें सोडियम है, पोटाशियम और सोडियम आइंस की जब इनसाइड ऑफ न्यूरॉन कमी होगी तो ये इम्परमेंट नेगेटिव आयन आइंस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इनसाइड न्यूरॉन की नेगेटिव हो जाएगी और आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद है जी कैल्शियम आइंस। कैल्शियम आइंस का क्या रोल है? द मेम्ब्रेन ऑफ ऑलमोस्ट All cell of body have calcium pump similar to sodium pump, and calcium serve along with or instead of sodium in some cell to cause most of the action potential. कहता है जी, जिस तरह sodium pump होते हैं neuron के cell पर, इसी तरह almost तमाम body cells में calcium pump भी होते हैं जो sodium के साथ या sodium के बगैर काम करते हैं एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन में। लाइक द सोडियम पंप, कैल्शियम पंप ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आयन फ्रॉम इंटीरियर टू एक्सटीरियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर इन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल क्रिएटिंग अ कैल्शियम आयन ग्रेडियंट ऑफ अबाउट 10,000 फोल्ड। तो कहता है जी, जिस तरह सोडियम आयन पंपिंग करते हैं सोडियम आयन की इनसाइड टू आउटसाइड, इसी तरह ये कैल्शियम पंप भी करते हैं यानी इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन से कैल्शियम आयन को पंप कर देते हैं आउटसाइड या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप कर देते हैं। और कितना ग्रेडियंट क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं? अबाउट 10,000 फोल्ड। दिस लीव एन इंटरनल सेल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन ऑफ अबाउट 10^-7 मोलर इन कंट्रास्ट टू एन एक्सटर्नल कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 10^-3 मोलर। कहता है जी, इससे क्या होता है जी, इंटरनल सेल कंसंट्रेशन कैल्शियम की कितनी कम हो जाती है?
10 की ताकत -7 मोलर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम अबाउट 10^-3, यानी इतना कम हो जाती है 10^-7 मोलर कंसेंट्रेशन रह जाती है कैल्शियम आयन की एज कंपेयर टू 10^-3 मोलर आउटसाइड. इन एडिशन देयर आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स बिकॉज कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन इज मोर देन 10,000 टाइम ग्रेटर इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड देन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. कहते हैं जी इन पंप के अलावा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स भी होती हैं, और ये चैनल्स क्यों हैं जी, क्योंकि कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन 10,000 गुना ज़्यादा है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में इंट्रासेलुलर फ्लूइड की निस्बत. देयर इज अ ट्रेमेंडस डिफ्यूजन ग्रेडियंट फॉर पैसिव फ्लो ऑफ कैल्शियम आयन इन टू द सेल. तो इससे क्या होता है जी, ट्रेमेंडस बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से पैसिव फ्लो होगा कैल्शियम आयन का सेल के अंदर. दीज चैनल्स आर स्लाइटली परमिएबल टू सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन. ये जो चैनल्स हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ये स्लाइटली परमिएबल हैं सोडियम और कैल्शियम आयन के लिए, बट देयर परमिएबिलिटी टू कैल्शियम आयन इज अबाउट 1000 फोल्ड ग्रेटर देन टू द सोडियम अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. कहता है जी परमिएबल तो दोनों आयन्स के लिए हैं, लेकिन इनकी परमिएबिलिटी कैल्शियम आयन के लिए 1000 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम आयन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. वेन दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट डिपोलराइज द सेल मेम्ब्रेन कैल्शियम आयन फ्लो टू द इंटीरियर ऑफ सेल. कहते हैं जी जब ये आयन्स चैनल ओपन होती हैं यानी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, तो जो पॉजिटिव चार्जेज हैं जिसमें कैल्शियम और सोडियम आयन्स हैं फ्लो करके अंदर आते हैं और सेल मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाती है. उसके बाद है जी, कहता है जी अ मेजर फंक्शन ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल इज टू कंट्रीब्यूट टू द डिपोलराइजिंग फेज ऑन द एक्शन पोटेंशियल इन सम सेल. कहता है जी मेजर फंक्शन जो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल का वो ये है कि डिपोलराइजेशन फेज में कंट्रीब्यूट करें. द गेटिंग ऑफ कैल्शियम चैनल हाउएवर इज स्लो रिक्वायरिंग 10-20 टाइम एज लॉन्ग फॉर एक्टिवेशन एज फॉर द सोडियम. कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, ये स्लो काम करती हैं, यानी इन्हें 10-20 टाइम ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है एक्टिवेशन के लिए बनिस्बत सोडियम चैनल्स के, यानी ये ज़्यादा देर लगा लेती हैं. कौन? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. इन कंट्रास्ट टू सोडियम चैनल विच आर फास्ट चैनल. तो इसीलिए कैल्शियम चैनल को स्लो चैनल्स कहते हैं और जो सोडियम चैनल हैं उन्हें फास्ट चैनल कहते हैं, क्योंकि वो जल्दी एक्टिवेट हो जाती हैं, सोडियम चैनल जल्दी एक्टिवेट हो जाती हैं. देयरफॉर द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल प्रोवाइड अ मोर सस्टेन्ड डिपोलराइजेशन वेयर अ सोडियम चैनल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग एक्शन पोटेंशियल. कहता है जी सोडियम चैनल एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जबकि जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो इस डिपोलराइजेशन फेज को सस्टेन बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं. कैल्शियम चैनल्स आर न्यूमेरस इन बोथ कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स. कैल्शियम चैनल कार्डियक और स्मूथ मसल सेल में बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं. इनफैक्ट इन सम टाइप ऑफ स्मूथ मसल द फर्स्ट सोडियम चैनल आर हार्डली प्रेजेंट, देयरफॉर द एक्शन पोटेंशियल आर कास ऑलमोस्ट इंटायरली बाय एक्टिवेशन ऑफ स्लो कैल्शियम चैनल. तो कहता है जी सम टाइप की जो स्मूथ मसल की सम टाइप हैं उनमें फास्ट सोडियम चैनल पर मुश्किल ही होती हैं, और इसीलिए एक्शन पोटेंशियल जो है ज़्यादातर कौन क्रिएट करता है, स्लो कैल्शियम चैनल की वजह से ही एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट होता है. उसके बाद है जी इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम चैनल व्हेन देयर इज डेफिसिट ऑफ कैल्शियम आयन्स. कहता है जी सोडियम चैनल्स की इंक्रीज परमिएबिलिटी हो जाती है जब कैल्शियम आयन की कमी हो. द कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आल्सो हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन वोल्टेज लेवल एट विच द सोडियम चैनल बिकम एक्टिवेटेड. कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में उसका प्रोफाउंड इफेक्ट होता है वोल्टेज लेवल पर जिस पर सोडियम चैनल एक्टिवेट होती हैं. व्हेन देयर इज अ डेफिसिट ऑफ कैल्शियम आयन द सोडियम चैनल बिकम एक्टिवेटेड by a small increase of membrane potential from its normal that is very negative level. कहता है जी जब सोडियम
आयंस की कमी, सॉरी, व्हेन कहता है जी, जब कैल्शियम आयन की कमी होती है तो सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाती हैं बाय अ स्मॉल इंक्रीज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक थोड़े से मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ने से सोडियम चैनल ओपन हो जाती हैं, जो कि वेरी नेगेटिव पोटेंशियल होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है जी? वेरी नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जो कि -90 mV होता है। देयर फॉर द लार्ज नर्व फाइबर बिकम हाईली एक्साइटेबल। जो नर्व फाइबर हैं वो हाईली एक्साइटेबल होती हैं, सम टाइम डिस्चार्जिंग रेपिटिटिवली विदाउट प्रोवोकेशन। रेदर नर्व फाइबर इसीलिए हाईली एक्साइटेबल होती हैं क्योंकि ये रैपिडली डिस्चार्ज करती रहती हैं विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस के बगैर ही एक्साइट करती रहती हैं। रेदर देन रिमेनिंग इन द रेस्टिंग स्टेट, बजाय कि ये रेस्टिंग स्टेट में रहे। इनफैक्ट द कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन नीड टू फॉल ओनली 50% बिलो नॉर्मल बिफोर स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज अकर इन सम पेरिफेरल नर्व, ऑफ्टन काजिंग मसल टैटनी। कहता है जी कैल्शियम आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो 50% फॉल होनी चाहिए अगर स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होता है। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है जी? पहले जो कैल्शियम आयन की तादाद है वो 50% अपनी नॉर्मल कंसेंट्रेशन से भी बिलो हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा जी? स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा सम पेरिफेरल नर्व्स में और इससे मसल टैटनी हो जाती है। दिस इज सम टाइम लीथल बिकॉज ऑफ टैटनिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। ये मसल टैटनी उस वक्त लीथल हो जाती है जब ये मसल टैटनी रेस्पिरेटरी मसल्स में भी हो जाए। द प्रोबेबल वे इन विच कैल्शियम आयन अफेक्ट द सोडियम चैनल इज एज फॉलोज। कहता है जो पॉसिबल मैकेनिज्म है कैल्शियम आयन के अफेक्ट करने का सोडियम चैनल्स को, वो कुछ इस तरह है। दीज आयन यानी कैल्शियम आयन अपेयर टू बाइंड विद एक्सटीरियर सरफेस ऑफ सोडियम चैनल प्रोटीन। ये जो कैल्शियम आयन्स हैं ये सोडियम चैनल जो प्रोटीन है उसके एक्सटीरियर सरफेस पे बाइंड करती हैं। बाइंड करने के बाद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दीज कैल्शियम आयन इन टर्न आल्टर द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ सोडियम चैनल प्रोटीन इटसेल्फ। जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज वाले कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं सोडियम चैनल्स को, तो उससे इलेक्ट्रिकल जो स्टेट होती है सोडियम चैनल प्रोटीन की वो चेंज हो जाती है। इन दिस वे आल्टरिंग द वोल्टेज लेवल रिक्वायर्ड टू ओपन द सोडियम गेट। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल स्टेट चेंज होती है सोडियम चैनल की तो सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।